आ जाए हमें ओखला स्टेशन। ये ओखला स्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। बात करें इस ओखला स्टेशन की, निजामुद्दीन से एक स्टेशन बाद यही पड़ता है आपका ओखला स्टेशन। इस यह ओखला स्टेशन सन 1984 में स्टार्ट किया गया था, इलेक्ट्रीफाइड सन 1995 में हुआ था। तो ये बता दूं कि ये 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, आग फ्यूचर में आगे बढ़ा दिया जा रहा है। इस साइड आप देख रहे हो तो ये हमारी लाइन जाती है मथुरा दिल्ली चेन्नई लाइन, जिसे दिल्ली मुंबई लाइन भी कहा जाता है, वो आई है। और ये सामने ट्रैक जा रहा है, ये जा रहा है फरीदाबाद बल्लभगढ़ के लिए, और इस साइड निजामुद्दीन नई दिल्ली के लिए ट्रैक जा रहा है सामने। और दूसरी स्टेशन अब जाएगी ये जो, तो ये हमने सामने खड़ी हुई है कोई स्पेशल ट्रेन, और सामने से मालगाड़ी जाते हुए समुद्र तल से 239 किलोमीटर है ये स्टेशन। बैठने पेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है इसमें, एक छोटा सा स्टेशन है। तो कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है जो जा रही है हमारे सामने से। तो देखिए कुछ इस तरीके के व्यूज है इस रेलवे स्टेशन को। तो सामने से कोई ट्रेन आ रही है, देखते कौन सी ट्रेन है ये। तो ये हमारी है बहुत ही स्पेशल डाक सर्विस ट्रेन, दो ही डिब्बे इसके अंदर। तो निजामुद्दीन की तरफ जाते हुए, ये सामने निजामुद्दीन जाने का रास्ता है, यहाँ से जो आप सामने देख रहे हो यहीं से आप निजामुद्दीन जा सकते हो। तो कुछ इलेक्ट्रिफाइड लोकोमोटर है, ये सामने ओखला जो है इसके कैसेंडे। तो यहाँ से हमारे जाते हुए कर्नाटक एक्सप्रेस जो पार निजाम ओखला स्टेशन पास होके नई दिल्ली की ओर जा रही है। जिसका टाइमिंग 11:05 का, तो 11:05 को आ रही है। कर्नाटक सुपरफास्ट जो कि मथुरा से चलते हुए आ रही है। एसी चेयर 3rd एसी के तो बता दें यहाँ से काफ़ी सुपरफास्ट राजधानी पासिंग होती है, हाँ, जो कि मुंबई की ओर, इंदौर की ओर, मथुरा की ओर जाती है। एक कोई स्पेशल ट्रेन आ रही है, इसे भी कवर करते हैं। और सर आपको इवनिंग के वक्त यहाँ से काफ़ी सुपरफास्ट जाती हुई बम्बई राजधानी CMC और जबलपुर सुपरफास्ट जैसी ट्रेनें आपको यहाँ से पासिंग ओवरटेक करते हुए मिलेगी। और काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है ये ओखला रेलवे स्टेशन।